नमस्कार दोस्तों, नीलम्स फूड फिला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे कच्चे आम का खट्टा और चटकारेदार अचार। ये अचार एक साल तक तो क्या, करीब करीब दो साल तक खराब नहीं होगा और ना ही इसका टेस्ट बदलेगा। तो सबसे पहले हम अच्छे से कैरियों को धोकर टुकड़ों में काट लेंगे और हल्दी और नमक लगाकर एक दिन तक कपड़े से ढककर रख देंगे ताकि कैरियों से एक्स्ट्रा पानी निकल आए। अब हम इन्हें दूसरे बर्तन में रखकर अच्छे से धूप में या फिर पंखे की हवा में सुखा लेंगे। लगभग 3 से 4 घंटे तक हमें इन्हें अच्छे से सुखाना है ताकि अचार में बिल्कुल भी नमी ना रहे। अभी हम बनाते हैं अचार के लिए मसाला। तो सबसे पहले गैस ऑन करके लो फ्लेम पर एक पैन रख देंगे। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। अब डालेंगे लगभग 4 बड़ी चम्मच के करीब इसमें सौंफ। इसे हल्की सी गर्म होने देते हैं। अभी डालेंगे इसमें 3 बड़ी चम्मच मेथी दाना और 2 बड़ी चम्मच अजवाइन। और ये हम डाल देंगे गरम मसाला, जैसे कि काली मिर्ची, लौंग, 3-4 दालचीनी के टुकड़े और 2 बड़ी इलायची। और सभी को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, केवल 2-3 मिनट तक गर्म करेंगे, जिससे कि इनका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इसी तरह से जीरे को भी हल्का सा भून लेंगे। अब हमें लेना है एक मिक्सर जार और सारे मसालों को इस जार में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए, मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ। बिल्कुल इस तरह से दरदरा पीस कर हमें मसाले को तैयार कर लेना है। अब इसे बड़ी सी परात में डाल लेते हैं और इसमें मिलाएंगे कुछ पिसे हुए मसाले, जैसे कि 4 बड़े चम्मच के करीब सफ़ेद नमक, 2 बड़ी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ी कटोरी भर के पीली वाली राई। इधर हमने एक बर्तन में शुद्ध सरसों के तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अचार के लिए हम सरसों के तेल का ही यूज करेंगे और इसे धुआं आने तक गर्म कर लेंगे। तब तक सारे मसाले मिला लेते हैं और इधर तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस गर्म गर्म तेल को ही हम मसाले में डाल देंगे ताकि जो मसाले में कच्चापन रहता है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। और अब डालेंगे इसमें कटी हुई कैरियों को। इन्हें भी मसाले के साथ बिल्कुल मिला देंगे ताकि सारा मसाला कैरियों के टुकड़ों के साथ चिपक जाए। और ये देखिए, चटकारेदार अचार बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे आप पराठा या पूरी किसी के भी साथ खाइए। अब हम इसे बिल्कुल सूखे कांच के जार में या फिर चीनी मिट्टी की बर्नी में भरकर रख देंगे लगभग 3 से 4 दिन के लिए, ताकि अचार हल्का सा गल जाए। अब हम इसमें ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च मिला हुआ हल्का सा गुनगुना सरसों का ऑयल और डाल देंगे ताकि अचार बिल्कुल बाजार के अचार की तरह ही लाल लाल दिखे और लंबे समय तक खराब भी ना हो। बस आपको इसे बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि इसे अच्छे से धूप में सूखे हुए कंटेनर में ही भरें और जब भी अचार निकालें तो साफ और सूखी चम्मच से ही निकालें, तो अचार कभी भी खराब नहीं होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।